जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों नोकिया G21 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका BGMI गेमिंग टेस्ट हम कर चुके हैं, PUBG गेमिंग टेस्ट, फिलहाल फ्री फायर गेमिंग टेस्ट हम करने वाले हैं। पीछे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिलता है। सामने की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो भाई गेमिंग मल्टीटास्किंग में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मोबाइल है। यहाँ पे 90Hz रिफ्रेश रेट सेटिंग के साथ ही हम फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। इस मोबाइल में यूनिवर्सिटी T606 एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है जो कि 12 NM बेस्ट प्रोसेसर है। इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास आता है। इस मोबाइल में स्टॉक एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलता है, वैसे 11 के साथ बाद में 12 और 13 का अपडेट भी मिलेगा। बैटरी यहाँ पे देख सकते हो 62% है, टेम्परेचर 38°C है, 62 को 61 यहाँ पे हम मानेंगे। एंड यहाँ पे जो है टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। गेमिंग ग्राफिक्स के बारे में भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वैसे BGMI में ये स्मूथ के साथ हाई को सपोर्ट करता है तो ये काफ़ी अच्छा है इस प्रोसेसर के लिए। यहाँ पे अगर हम फ्री फायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन वाले यहाँ पे जो ग्राफिक सेटिंग होती है सारी मैक्स टू मैक्स ये सपोर्ट कर जाता है। और यूनिवर्सिटी के जो प्रोसेसर है इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी सपोर्टेबल रहते हैं ग्राफिक्स को और गेमिंग के लिए वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर होते हैं। तो यहाँ पे गेमिंग हमें करते हैं। वैसे BGMI बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, FPS टेस्ट आप जो है चैनल पर जरूर चेकआउट करिएगा। काफ़ी अच्छी गेमिंग यहाँ पे जो है PUBG BGMI की हो जाती है। वैसे दोस्तों जो बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट है 10, 20 एंड 30 मिनट में हम करेंगे, 15 मिनट में वैसे भी गेमिंग जो है यहाँ पे हो जाती है। तो दो गेम आप 30 मिनट में दो गेम जो करते हो तो उसमें आपको कितना बैटरी ड्रेन होता है यहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊंगा। वैसे इसकी जो बैटरी है आपको मैं बताना भूल गया था, 5050 mAh की इसमें बैटरी प्रोवाइड की गई है, 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, 61 से 59% यानी 2% यहाँ पे बैटरी ड्रेन हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 20 मिनट में यहाँ पे कितना बैटरी ड्रेन होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है, काफ़ी अच्छी स्मूथ तरीके से यहाँ पे गेमिंग हो रही है। एंड एक भी लैग, फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे महसूस मुझे नहीं हुआ है, काफ़ी एकदम मस्का तरीके से यहाँ पे जो है गेमिंग हो रही है। जब यहाँ पे BGMI ये प्रोसेसर संभाल लेता है तो ये फ्री फायर है, ये उससे थोड़ा लो ग्राफिक्स वाला गेम है, तो इजीली तरीके से यहाँ पे आप जो है अगर फ्री फायर गेमिंग खेलते हो तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में 57% बैटरी है, यानी 4% यहाँ पे बैटरी जो है ड्रेन हुआ है। गेम फिर से रिस्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे किल कर दिया है। यहाँ पे मैं सर्वाइव करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की गेमिंग को यहाँ पे करते हो तो जो नोकिया G21 है ईजिली तरीके से इसे हैंडल कर लेगा। फिलहाल आपको पता ही होगा कि गेमिंग जब भी ज़्यादा होती है तो मोबाइल हीट होता है, थोड़ा सा हीटअप है लेकिन गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। गेमिंग यहाँ पे तगड़े तरीके से ही हो रही है, जैसे शुरुआत में हुई थी वैसे ही लास्ट एंडिंग यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारे 30 मिनट ये होने ही वाले हैं और यहाँ पे जो है मैं स्टॉप करने वाला हूँ गेम को, तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बैटरी 61% में हमने स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे कितनी बैटरी यहाँ पे भी बची है। तो यहाँ पे देख सकते हो 54% यहाँ पे बैटरी हमारी बची है, 61 पे स्टार्ट किया था, यानी यहाँ पे जो है 7% बैटरी ड्रेन होता है अगर आप 30 मिनट की फ्री फायर गेमिंग करते हो। टेम्परेचर 38 से 41 हो चुका है, 3°C ही यहाँ पे बढ़ा है। तो जो 12 NM प्रोसेसर है हीटअप यहाँ पे इतना नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसने गेमिंग मेंटेन की है। अगर आप इस मोबाइल को गेमिंग के लिए भी परचेस करते हो, मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करते हो तो ये जो प्रोसेसर है बेस्ट फिट हो जाता है क्योंकि ये BGMI फ्री फायर जैसे गेमिंग को ईजिली हैंडल कर लेता है। तो ये था दोस्तों नोकिया G21 का फ्री फायर गेमिंग रिव्यू। इसके अलावा और भी बहुत से वीडियो, कैमरा टेस्ट, रिव्यू वीडियो आपको इस चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।